मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 1 नवंबर शुक्रवार का दिन है, साथ ही साथ आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे कि माता सभी जातकों पर प्रसन्न होकर उनके घरों में वास कर सके और उनको आने वाले जीवन में सुखियां प्रदान कर सके, आपको धनवान बना सके, आपके सभी आर्थिक तंगियों को दूर कर सके, सभी दुखों से दूर कर सके। आपको बताना चाहेंगे कि आप कौन से सरल से उपाय करेंगे जिनसे कि माता आप पर प्रसन्न होंगी। आज के दिन आपका व्यापार कैसा चलने वाला है, जानेंगे इन सभी के बारे में, बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को आज कौन से व्यापार को करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिनसे कि आपके मान सम्मान या स्कीर्ति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आपको ज्यादा मुनाफा, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्कियां मिल सके। आज के दिन आप क्या करें क्या ना करें, कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आज आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। कैसा बीतेगा आज का आपका दिन, लव लाइफ, करियर, स्वास्थ्य से जुड़े संबंधित से बहुत सारी परेशानियां, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप छोटे से सरल से उपाय कर कर आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। आज तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है, आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिल सकती है, आर्थिक स्थिति में प्रगति हो सकती है, जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज 1 नवंबर से मानो आपकी किस्मत खुलने वाली है, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करोगे उसमें आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा धन लाभ, आपके मान सम्मान या स्कीर्ति में वृद्धि होने वाला है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको कुछ ऐसी खुशियां नसीब होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी सपने में नहीं की होगी। मित्रों, आपकी ऑफिस में आज जो है आपकी ड्रेस की तारीफ हो सकती है, अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मित्रों, आज अगर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन व्यापार शुरू करने के लिए आपका उत्तम दिन नहीं रहने वाला है। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिल सकती है, आपसी समझ और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य संबंधों को और बेहतर बनाएंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बेरोजगार युवक हो और रोजगार की तलाश कर रहे हो, तो आज आपका दिन जो है तलाश खत्म होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए आज कॉल आ सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि जो छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने बिजनेस खुद का व्यवसाय करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आपको अपने कार्य में बाधा आ रही है, रुकावटें आ रहे हैं, तो उन सबों को आज दूर करने का सबसे उत्तम दिन देखा जा रहा है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने कार्य के प्रति बिल्कुल समर्पण दें, आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आपको अपना योगदान पूरा पूरा देना चाहिए। मित्रों, आज आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा धन लाभ, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज आप सामाजिक कार्य में, सामाजिक जीवन में भी आज हर तरह से बेहतर आपका बना रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले आप जो है अच्छी तरह से उसे समझ बूझ लें, उसके बाद ही आप निवेश करें। मित्रों, आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो हैं सूर्य देव को नमस्कार करें, साथ ही साथ गौ माता के चरणों को स्पर्श करें और हो सके तो गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने सारे पूर्वजों को याद करें, अपने इष्ट देवता को याद करें,
मित्रों, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आप जिस भी स्वरूप की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके घर में विराजमान हो, उस स्वरूप के सामने आपको सुबह सुबह उठकर उनकी पूजा उपासना करनी है। आप जो है उनकी पूरी तह दिल से, अपने सच्चे दिल से उनकी कामना करें, उनका स्तुति करें और उनको आप जो है नमन करें। आपने जितने भी कष्ट हैं उनको, अपने कष्टों का ब्यौरा बताएं, अपने कष्टों को प्रकट करें और जो भी इच्छाएं हैं उन्हें भी आप माता को बताएं। ऐसे में अगर आप सच्चे दिल से माता की भक्ति करोगे, आप अगर मन में जरा सी भी त्रुटि नहीं लाओगे, तो माता आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आज जो है, अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के प्रस्ताव भी आपके घर आ सकता है। विवाह में रुकावटें दूर होंगी और आपको अच्छी जीवन साथी की तलाश वो पूरी होने वाली है। आपको काम के लिए वाहवाही भी आज मिलने वाली है। आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिल सकते हैं। मित्रों, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरी करेंगी और आपके सभी घर क्लेश में जो भी गृह क्लेश हो रहा है उनको दूर करेंगे और माता रानी की आपके और आपके परिवार पर असीम कृपा बरसती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलकारी हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय मां बिंदुवासिनी। मित्रों, जय माता।